सबसे पहले तो माफी चाहेंगे, देर होगी बहुत। असर भाई माजरत, एक झगड़ा हो गया था कि हमारे वहाँ, तो थोड़ा सा उसको निपटाने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर सारे प्रोग्राम धीरे धीरे उठते गए। बाकी आपको चाचा जी ने बताया क्या क्या रहा, तो आज पहली बार आपके बीच में मुझे एक गाँव में आना हुआ, और आने का मकसद ये था, अभी चुनाव में जो आए हैं, आने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारी हाजिरी हो जाए और आप सबसे जान पहचान हो जाए, क्योंकि पहली बार ही मैं आई हूँ, आपसे पहले कभी आना नहीं हुआ। बाकी चुनाव की जो बात है वो 2024 में ये लोग सब आप सभी को पता है, और ये चुनाव आपके हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी आप सब जानते हैं। रोज हम तक तानाशाही हो रही है, और अब अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती है तो ये खुले रूप से करेंगे और ज़्यादा। लोग सब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। ये 26 पार्टियों का गठबंधन आपकी और हमारी हिफाजत के लिए बन रहा है। अगर हम उसमें ताकत नहीं झोंकेंगे, उसे मजबूत नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए ही नुकसान की बात रहेगी। तो इसी के लिए आपके बीच में अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ मेरा है या नहीं, आप लोगों पर वाले से दुआ कीजिएगा। हम कोशिश में लगे हुए हैं, 2 साल से हम लगातार कोशिश में हैं। कई जगह पर हाजिरी लग चुकी है लोकसभा में, कुछ गांव छूट गए थे जिसमें आपका एक काम, तो इसलिए आपके बीच में आना हुआ। बाकी आज सिर्फ परिचय का दिन था, लेकिन जिस तरीके से आप लोग सब इकट्ठा होकर आपने हमारा स्वागत करा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले वक्त में आपसे परिचय लगातार बना रहेगा, आप लोग भी बनाइएगा, हम भी कोशिश पूरी रखेंगे। और मेरे वालिद साहब का भी आप सबसे पुराना रिश्ता रहा है, जिस तरीके से वो काम करते थे, ये सरकार ऐसी है कि ये किसी को काम तो करने नहीं दे रही, लेकिन अपनी अगर हम नुमाइंदगी भी ख़त्म कर देंगे तो हमारे वजूद पे सवाल उठ जाएगा, हमारा वजूद भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो हमेशा ये भी कहते थे कि अगर अपनों के बीच में आते थे वोट मांगने पड़े तो फिर अपनाइयत का एहसास खत्म हो जाता है। तो आप सब अपने हैं, आपका काम है कि आप और लोगों को जोड़ें। मुझे आपसे वोट नहीं मांगने चाहिए, आप लोगों को वोट मांगने चाहिए और सबको जोड़ जोड़ के, चाहे चुनाव मैं लड़ूँ या कोई और लड़े, लेकिन ये काम हम सबको इकट्ठे मिलके करना है। ये गठबंधन है हमारा, हमारी हिफाजत के लिए बना है, इसको मजबूती भी हमें ही देनी है, और ये बहुत करीब का मौका है। 24 आ ही गया, लंबा टाइम नहीं है, इस मौके को आपको और हमें इसका पूरा फायदा